दोस्तों बिल्कुल रियल फैक्ट है कि अभी तक सड़कों पर मारुति का ही राज है, आज तक भी बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंडियन कंपनी और ऐसी है जिसने मारुति की इसमें बिल्कुल हिस्सेदारी कर ली है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वो कंपनी टाटा ही है। टाटा ने अब बिल्कुल अपना सिस्टम चेंज कर दिया है, आप कह सकते हैं जब से ये टाटा टियागो आई है, या आप कह सकते हैं टिगोर आई है, या नेक्सॉन आई है, और उसके बाद एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ ला रहा है टाटा। वो पुराना ज़माना नहीं है जब इंडिका आती थी, यानी पुरानी गाड़ियाँ आती थी उस समय तो उनका लुक बिल्कुल आप सिंपली कहते थे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, हम उसकी बुराई नहीं करते दोस्तों। इंडिका में किस तरह की प्रॉब्लम रही है, आज भी काफ़ी अच्छी है, जिनके पास ओल्ड गाड़ी है बहुत ही उसे पसंद करते हैं और बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ तक आती है एडवांस लुक की बात, तो 2.0 का प्लेटफॉर्म जब से टाटा ने एडॉप्ट किया है दोस्तों, इस पर बहुत ही शानदार गाड़ियाँ आ रही हैं। आप नेक्सॉन को देख सकते हैं, टाटा टिगोर को देख सकते हैं, और अब इसी पर एक और हैचबैक गाड़ी लाने वाला है टाटा दोस्तों, और वो है टिगोर। टिगोर का बिल्कुल एक नया वेरिएंट्स आने वाला है दोस्तों, और इसके अलावा एक और गाड़ी आने वाली है दोस्तों, जो है आपकी एल्ट्रोज। जी हाँ, एल्ट्रोज का दोस्तों आने वाला है बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च, यानी नई गाड़ी जो ये लॉन्च होने वाली है हैचबैक सेगमेंट में दोस्तों, बहुत ही शानदार होगी। इसमें आपको बिल्कुल वही फील होने वाला है जो आपको फील होता है नेक्सॉन में या टिगोर में, आप कह सकते हैं। इसमें सभी एडवांस सिस्टम्स आपको कंपनी देने जा रही है, न्यू एडवांस प्लेटफॉर्म के अलावा, स्टाइलिश लुक के अलावा, बॉडी बिल्डअप के अलावा दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, नेविगेशन मिलेगा, हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ABS मिलेगा, EBS, EBD मिलेगा, तो सभी कुछ आपको इसमें मिलने वाला है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर जो फीचर्स हैं, इसके अलावा BS6 रेडी इंजन इसका मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं दोस्तों, इसका भी EV वेरिएंट्स आने वाला है, यानी फिलहाल ये पेट्रोल वेरिएंट्स में आ रही है, लेकिन शीघ्र ही इसका EV वेरिएंट्स भी कंपनी लाने की योजना बना रही है। तो फिलहाल जब पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है, सेप्टेम्बर में आने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में EV वेरिएंट्स कंपनी कब ला रही है, क्योंकि अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो जानकारी लीक हुई है केवल इतना पता है इसके EV वेरिएंट्स आने वाला है, जो सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, जहाँ तक नेक्सॉन का हमने पिछली वीडियो में बताया है वो सेम नेक्सॉन जैसा ही होने वाला है, इस तरह एल्ट्रोज का वर्जन भी इसी तरह होगा, केवल उसका जो चेंज होगा उसमें आप जानते हैं लिथियम आयन की बैटरी मिलेगी, सिर्फ इतना सिस्टम्स होने वाला है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन इस नई गाड़ी के बारे में, एल्ट्रोज के बारे में, जहाँ इसके फीचर्स आएंगे बहुत ही एडवांस। लेकिन एक और विशेष बात है दोस्तों, इसके प्राइस को जानकर आप खुश हो जाएंगे, इसका प्राइस केवल स्टार्ट होने वाला है 6 लाख से, यानी कि जो टॉप ऑफ वेरिएंट आता है आपका टिगोर का, उसी प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो ये इसका बेटर पक्ष आप मान सकते हैं दोस्तों, तो ये गाड़ी शीघ्र आ जाएगी सेप्टेम्बर में। तो आप क्या आप ये गाड़ी परचेज करना चाहेंगे दोस्तों, इस बजट में अगर इतनी एडवांस गाड़ी आती है जो आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है दोस्तों, और क्या प्राइस जिसका बिल्कुल इसके फीचर्स के अनुसार और इसके लुक के अनुसार से बिल्कुल राइट है। और दोस्तों टाटा को इसके बारे में और क्या प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या फीचर्स और ऐड करना चाहिए, आप लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं फीचर्स इसमें मिलना चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।